नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं चैनल स्वास्थ्य से सेहत तक। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ त्योहारों पर बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई खाजा। ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मिठाई को महाराष्ट्र में चरोटे भी कहते हैं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। एक कप मैदा खाजा के आटा के लिए लिया है। आधी कटोरी अलग से मैदा लिया है। इसे रोटी बेलने और पेस्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चौथाई चम्मच घी जो आटा गूंथने और घोल बनाने के काम आएगा, और तलने के लिए अलग से घी ले रही हूँ। आप चाहे तो तलने के लिए घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप चीनी जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था, आप मार्केट वाला आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक कप मैदे को बड़े बर्तन में चिप कर लेंगे। अब मैदे में 2 चम्मच घी डालेंगे। अब घी को मैदे में हाथों की सहायता से अच्छे से मस लेंगे, जब तक कि घी और मैदा आपस में मिल नहीं जाते। दोस्तों घी मैदे में अच्छे से मिल चुका है। आप गुनगुना पानी लेंगे और आटे को गूंथना शुरू करेंगे। दोस्तों पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। अब थोड़ा पानी और डालेंगे और गूंथेंगे। देखिए दोस्तों आटा इकट्ठा होने लगा है और डो की शक्ल में आ रहा है। अब इसे अच्छे से मस लेंगे। आटा नरम नहीं गूंथना है, इसे थोड़ा टाइट ही गूंथेंगे। अब हमने आटे को गूंथ लिया है। इस पे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए अलग रख देंगे। दोस्तों मैंने जिस कप में मैदा लिया था उसी कप में बचा हुआ दूसरे कप का सारा घी डाल दूंगी। अब उसमें 2 चम्मच मैदा जो मैंने अलग से कटोरी में रखा था घी डाल दूंगी। बाकी का मैदा संभाल कर रख दूंगी। अब मैदे और घी का एक घोल बनाएंगे, जिसके लिए घी और मैदे को अच्छे से फेटेंगे। देखिए दोस्तों मैदे और घी का एक घोल तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों अब 20 मिनट हो गए हैं, अब गूंथे हुए आटे को देख लेते हैं। आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, उसे हाथों की सहायता से और मस लेंगे। अब आटे को 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। और लोइयां तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने लोइयां तैयार कर ली हैं। जो मैदा मैंने कटोरी में बचा कर रखा था उसे रोटी को बेलने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब एक लोई को लूंगी, उसे चकले पर रखूंगी। दोस्तों लोई पर मैदा छिड़क कर उसे बेलन की सहायता से बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथों से रोटी को बेलते हुए बड़ा करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। दोस्तों रोटी को आप जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा। अब इसी तरह से दूसरी लोई को भी चकले के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर मैदा छिड़केंगे और पतली रोटी बेल लेंगे। अब एक रोटी को चकले पर रखूंगी, उसके ऊपर मैदा और घी वाला जो घोल हमने पहले ही बना के रख लिया था उसे लगाऊंगी। दोस्तों घोल को रोटी पर हर जगह अच्छे से फैला लेंगे। आप घोल को फैलाने के लिए हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब घोल को रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर सूखा मैदा अच्छे से छिड़क देंगे। दोस्तों मैदा इसलिए छिड़क रही हूँ, खाजे की एक एक परत अलग अलग आएगी। अब दूसरी रोटी को भी इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे। अब उसके ऊपर भी पहले घी वाला घोल फैला देंगे, फिर सूखा मैदा छिड़केंगे। वापस से एक और रोटी को इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे। वापस से घी और मैदे वाला घोल इसके ऊपर डालेंगे, फिर मैदा छिड़केंगे। दोस्तों अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर रोटी को दोनों हाथों से रोल करना शुरू कर रही हूँ। दोस्तों रोल को दोनों हाथों की सहायता से दबाते हुए टाइट करते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। अगर रोल ढीला हो जाएगा तो तलते समय बिखर सकता है। रोल अच्छे से तैयार हो गया है। अब एक चाकू लेंगे और रोल को आधा इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों एक रोल हमने तैयार करके काट लिया है। अभी हमने सिर्फ 3 रोटी का एक रोल बनाया था, बाकी 3 रोटी का एक और रोल बनाएंगे। अब दूसरा रोल बनाने के लिए बेली हुई रोटी को चकले पर रखेंगे, उसके ऊपर घी और मैदे वाला घोल फैलाएंगे, फिर मैदा छिड़केंगे, फिर दूसरी रोटी को उसके ऊपर रखेंगे। वापस से ये प्रक्रिया 2 बार दोहराएंगे। अब तीनों रोटी को एक साथ रख लिया है, इसे भी रोल करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। ये दूसरा रोल भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसे भी आधा आधा इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों अब गैस पर कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख देंगे। दोस्तों अब ध्यान से देखना, मैंने एक कटा हुआ रोल लिया है, उसे थोड़ा तिरछा करते हुए हाथों से दबा रही हूँ, जिससे इसकी लेयर साइड में आ जाए। अब बेलन की सहायता से रोल को लंबाई में बेल लेंगे। दोस्तों इसी तरह से सभी कटे हुए रोल को हाथों से दबाकर फिर बेलन की सहायता से बेल लेंगे। सभी रोल को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। दोस्तों घी गरम हो गया है, अब इसमें बेले हुए खाजे को तलने के लिए डाल देंगे। दोस्तों फ्लेम को मीडियम ही रखना है। देखिए दोस्तों खाजा कितने अच्छे से कढ़ाई में ऊपर तैरने लगा है। इसे दूसरी तरफ से पलट देंगे और लाइट ब्राउन कलर आने तक तल लेंगे। दोस्तों देखिए खाजा बहुत अच्छे से तला जा चुका है, इसकी एक एक लेयर अलग दिखाई दे रही है। अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। अब दूसरे बैच के खाजे को भी तलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कर लेंगे। दूसरे बैच के खाजे भी तले जा चुके हैं, इसे भी तेल से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अब गर्मा गर्म खाजे के ऊपर एक छन्नी की सहायता से पीसी हुई चीनी को छिड़केंगे। जब एक तरफ से चीनी छिड़क जाएगी फिर खाजे को पलटकर दूसरी तरफ से भी चीनी छिड़क देंगे। दोस्तों वैसे तो खाजे को चाशनी में डुबाया जाता है, लेकिन चाशनी में डुबाने से खाजे बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, जो खाए नहीं जाते हैं।
इसलिए मैं ऊपर से ही चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। गरम गरम खाजे पर जब पिसी हुई चीनी डालते हैं तब वो अच्छे से अपने अंदर मिठास को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से घर में बाजार से भी ज़्यादा अच्छा खाजा बना लिया है। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे गर्मा गर्म टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब खाजा गर्म रहता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। खाजे को आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।